जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया रहता है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, इस पे कैसे वर्किंग करते हैं, ये सारा का सारा आज की क्लास में जानना। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है तो इसके लिए हम विंडो प्लस आर दबाते हैं। और यहाँ से जैसे ही विंडो प्लस आर दबाएंगे तो सॉफ्टवेयर का नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास नोटपैड की सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो एक नॉर्मल तरीका हुआ जिसके माध्यम से आप अपने नोटपैड की पेज को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा ये तरीका है कि अगर आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आते हैं और यहाँ पे अगर आपने टाइप कर दिया नोटपैड तो भी आपके पास नोटपैड की सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि विंडो प्लस यस आपने दबाया और यहाँ पर भी अगर आप लिखते हैं नोटपैड तो भी आपके पास नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और तीसरा ये तरीका है कि जैसे मान के चलिए कि इन दोनों तरीकों से अगर आपको नहीं ओपन करना है तो माउस से आप राइट क्लिक करिए और न्यू वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। कहाँ पे आना है? न्यू वाले ऑप्शन पे। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे से तीसरा ऑप्शन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से दिख रहा है। इसी पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से आ जाएगा, यानी कि एक फोल्डर बन जाएगा। और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये नोटपैड का पेज ऐसे खुल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये नोटपैड का पेज हमारे सामने ओपन हुआ है। और देखिए, पहले तो आप इसके बारे में आप समझिए कि किस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात हो, चाहे वो आपका एमएस वर्ड हो, चाहे आपका एमएस एक्सेल हो, चाहे एमएस पावर पॉइंट हो, चाहे नोटपैड हो, चाहे एमएस पेंट हो, चाहे वर्ड पैड हो, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सबसे ऊपरी हिस्से वाला ऑप्शन को, जिसमें ये शो करके दिखाता है कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइटल बार में आपको शो करके दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है और उसके बाद से नोटपैड लिखा हुआ है, और इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इसको जानते हैं हम किस नाम से? टाइटल बार के नाम से। और इस टाइटल बार में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ जो सबसे टॉप में आपको दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर का नाम दिखा रहा है और प्लस मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन का भी दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना? और उसी के जस्ट नीचे ये मेनू बार होता है। क्या होता है? मेनू बार होता है। यानी कि अगर हम बात करें, सबसे पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और नोटपैड लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार नाम देते हैं, और टाइटल बार के जस्ट नीचे ही हमारा मेनू बार होता है। और इस मेनू बार को हम टैब के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस मेनू बार को हम टैब के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। लेकिन आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब। समझ में आ रहा है ना? और ये पूरा हमारा एक प्रकार का ब्लैंक पेज होता है। इस ब्लैंक के पेज में हम आसानी तरीके से टाइपिंग कर देते हैं। और देखिए, इसके नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो यहाँ पे आपको शो करके बता रहा है कि आपका पेज का साइज यहाँ पे 100% दिया हुआ है, सबसे नीचे ध्यान से देखिए, ये टास्क बार के जो जस्ट ऊपर दिया हुआ है। जैसे हम टास्क बार को अगर हम राइट भेज देते हैं यहाँ से, चलिए मैं यहाँ से इसको राइट कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 100% लिखा हुआ है। ये हमारा इस पेज का स्टेटस बार होता है। क्या होता है? पेज का स्टेटस बार होता है। और जब भी आपसे पूछा जाए कि पेज का स्टेटस बार कहाँ होता है, तो आप ये जरूर बताइएगा कि टास्क बार के जस्ट ऊपर हमारा पेज का क्या होता है? स्टेटस बार होता है। चूंकि ये हिस्सा आपका टास्क बार का हो गया और इसी के जस्ट ऊपर आपका दिया हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। तो अभी स्टेटस बार जो हमारा खुला हुआ है किस पेज का है? नोटपैड के पेज का। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, इसमें इतना सारा मेनू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फाइल मेनू लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिट मेनू लिखा हुआ है और फॉर्मेट मेनू लिखा हुआ है, प्लस व्यू मेनू लिखा हुआ है। इतना सारा मेनू यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इस पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल हम करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे पेज पे कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट होना चाहिए। अभी तो पेज हमारा पूरी तरीके से ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक पेज पे हम कोई भी मतलब कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पेज पे कुछ टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। तो जैसे देखिए, जैसे ही हम फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए न्यू और न्यू विंडो।
ओपन आता है, सेव आता है, सेव है जाता है, पेज सेटअप आता है और प्रिंट आता है। तो जैसे देखिए आप लैब में जाइएगा तो आपको ट्रिपल सी का बुक मिला है। जैसे देखिए अगर नहीं भी मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में लिखना तो जानते होंगे ना, कुछ अपना इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें लिख लीजिएगा आप लोग नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे, और लिखने के बाद तब जाकर के इसमें बारी बारी से पूरे आसन का प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिए। और नहीं कर पाइएगा तो एक और तरीका हम बताते रहे कैसे करना है। देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा, कहाँ पे आना है, सर्च पे, और यहाँ पे आप टाइप करिएगा एमएस वर्ड और एंटर कर लीजिएगा, और यहां से एक ऑप्शन आपको दिखेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, पेज को बड़ा करिएगा। और पेज को बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखिएगा, क्या लिखना है, इक्वल, और इसमें लिखिएगा RANDE, और यहां से ब्रेकेट ओपन करिएगा, ब्रेकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा, इतना सारा लिखा हुआ टेक्स्ट मिल जाएगा। आप खुद सोचिए अगर आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, इतना सारा लिखा हुआ टेक्स्ट मिल गया तो इजी है ना। तो सबसे पहले इसको कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर लीजिएगा और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि आपको काम करना है किस सॉफ्टवेयर पे, नोट पैड पे, तो इसलिए एमएस वर्ड को ओपन करना उचित नहीं। अब यहीं पे कॉपी करने के बाद कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट कर दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए इतना पेस्ट करने के बाद उसके बाद से पूरे ऑप्शंस का बारी बारी से प्रैक्टिकल करके आप देखिए। जैसे देखिए इसमें पहला ऑप्शन आता है न्यू, और जिसकी शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल प्लस एन लिखा हुआ। जैसे देखिए अगर हम न्यू के बारे में बात करें तो जैसे ये तो हमारा ओल्ड पेज हो गया ना, अगर हमारे पास कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट मिल गया तो ये सिंपल सी बात है, ये हमारा ओल्ड पेज हो गया। अब हम चाहते हैं कि नोटपैड के पेज पे एक नया पेज हम इंसर्ट कराएं, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस यन बटन दबाते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल यन दबाएंगे तो ये पूछेगा कि आप इस डेटा को सेव करना चाहते हैं, अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव करिए, नहीं सेव करना है तो यहाँ से डोंट सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मान के चलिए कि आपने कुछ टाइपिंग किया है और गलती बस आपने कंट्रोल एन दबा दिया और वो इम्पोर्टेंट डेटा है, तो सिंपल सी बात है उसको सेव करने की आवश्यकता आती है। यदि अगर आप नहीं सेव करेंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आप चाहते हैं अगर हम सेव करके रखें तो इसके लिए सेव पे क्लिक करना है, अगर नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नोट पैड का एक नया पेज आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए फिर मैंने कंट्रोल के साथ भी बटन दबा करके पेस्ट कर लिया, क्योंकि कॉपी ये कई बार करते हैं लेकिन पेस्ट जितने बार करना होगा उतने बार आप पेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए फाइल में एक ऑप्शन और देता है यहाँ पे न्यू विंडो, और न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि अभी तो हमारे पास नोटपैड का एक ही विंडो खुला हुआ है, एक ही विंडो खुला हुआ है ना, अब हम चाहते हैं कि एक और विंडो खुल जाए, कई सारा विंडो खुल जाए, एक से ज्यादा विंडो, तो इसके लिए फाइल पे आ जाइएगा और यहाँ पे न्यू विंडो पे बस क्लिक करिएगा, देखिए एक और विंडो आ गया। समझ में आ रहा है ना, एक तो ऑलरेडी विंडो मैंने खोला था और इससे मैंने इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर एक और हमारे पास विंडो आ गया, फिर एक और ओपन करना है तो फिर फाइल पे चले जाइए और फिर यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करिए। इस तरीके से जितना विंडो आप चाहेंगे उतने विंडो पे क्लिक करते जाए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसकी शॉर्टकट की होती है। अभी देखिए तीन विंडो हो गया, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये चार विंडो हो गया, देखिए अच्छा फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यन, ये पांचवा नंबर का विंडो है। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा विंडो जब भी आपको ओपन करना हो तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यन बटन दबाइए, या तो फाइल टैब पे आकर के आप न्यू विंडो पे क्लिक करिए। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ओपन, और ओपन का शॉर्टकट लिखा है कंट्रोल प्लस ओ। जैसे इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया और यहाँ पे डोंट सेव क्लिक करके मैंने इस पेज को हटा दिया, हमारे पास नया पेज आया है ना। अब जैसे मान के चलिए कि पहले आपने कोई डेटा अपने नोटपैड के पेज पे आपने सेव करके रखा है और आप उसको तत्काल में ओपन करना चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना, उसको तत्काल में आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए मिनिमाइज करके और इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अब ये मत खोजिएगा कि यहाँ पे दिस पीसी में मैंने कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ डेटा हमारा सेव है, बस आप डायरेक्टली आप चाहेंगे तो यहीं पे ओपन कर सकते हैं, बस कंट्रोल प्लस ओ बटन प्रेस करके। जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे
तो ये आप सीधे कंप्यूटर में आ जाएंगे और यहाँ से अपना डेटा आप चूज करिए कि आपने डेटा कहाँ पे रखा हुआ। तो जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पहले से डेटा बना हुआ है एक्सेल के नाम पे, देख रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए ये डेटा आपका ओपन होगा। इसको मैंने टाइप किया है अभी, ये पहले से सेव करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर नोटपैड में अगर पहले से कोई डेटा सेव करके रखा है और आप चाहते हैं कि इसको ओपन करके हम देखें तो कंट्रोल प्लस ओ का हेल्प लेना होता है। जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे तो देखिए यहाँ से अब दूसरा डेटा आप ओपन करना चाहते हैं, फिर आप चेक कर लीजिए कि आपने डेटा कहाँ पे रखा है। जैसे यहाँ पे टेबल वन करके कुछ डेटा रखा हुआ है, हो जाएगा। लेकिन आप खुद बताइए, जब लैब में जाएंगे आपको नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि पहले टाइपिंग करके उस डेटा को क्या करिएगा, सेव कर लीजिएगा। सेव करेंगे तभी तो ओपन करेंगे। तो आप सेव करने के बाद अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ दबा करके ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला, इसमें ऑप्शन दिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए सेव का लिया हुआ। अभी मैंने आपको बताया है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यन बटन दबाते हैं तो एक हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाता है, और कंट्रोल प्लस वी बटन दबा करके मैंने इतना सारा लेटर जो मैंने टाइपिंग किया था इसको मैंने ला दिया। अब इसको हम किसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव क्यों किया जाता है? सेव इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी हमारा डेटा अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। अस्थाई क्यों है? क्योंकि अभी हम पेज को क्लोज करेंगे तो डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, मिलेगा नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि डेटा को हम सेव करके रखें ताकि कल की डेट में अगर डेटा की रिक्वायरमेंट आती है तो ओपन कर लें, इसलिए डेटा को सेव करने की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना? तो सेव करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यस होता है। बस आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही कंट्रोल यस दबाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, और देखिए इसमें लिखा हुआ है .txt, लिखा हुआ है .txt, मैंने अभी आपको पढ़ाया है, और नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि नोटपैड को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है। अब जैसे मान के चलिए कि हमको सेव करना है तो इसके लिए कुछ नाम देना पड़ेगा ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, जैसे ही कंट्रोल यस दबाते हैं तो सबसे पहले ये आपसे लोकेशन पूछा जाता है कि आप इस डेटा को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, कुछ लोकेशन देंगे कि नहीं देंगे। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लोकेशन ले लिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इस डेटा को हम सेव करना चाहते हैं लेकिन कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में। अब जाकर के जब लोकेशन आप सिलेक्शन कर लेंगे तब पूछेगा, तब बताइए किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले फाइल नेम पे, और यहाँ पे जो .txt दिया इसको बैक स्पेस से हटा दीजिएगा, और यहाँ पे मैंने लिख लिया नोटपैड डाटा। मैंने क्या हेडिंग दिखाया, नोटपैड डाटा, लोकेशन मैंने कहाँ लिया है, डॉक्यूमेंट, और बस यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए, सेव हो गया ना। अब कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया है ये सेव करने का ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेटा को पहले ही सेव कर लिया। अब कंट्रोल ओ दबाइए और आप चले आइए सबसे पहले डॉक्यूमेंट में, और किस नाम से मैंने सेव किया है देखिए दिख जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? फिर मैंने कंट्रोल एन दबाया तो एक नया पेज हमारे पास मिल जाएगा। अब सेव करने का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि वो डेटा मैंने क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। अब देखिए अब अगला इसमें ऑप्शन आता है सेव एज। सेव में और सेव एज में दोनों में अंतर है। जैसे सेव का प्रयोग हम तब करते हैं जब डेटा को एक बार पहली दफा जब सेव करना होता है, और सेव एज का प्रयोग तब करते हैं जैसे मान के चले कि मैंने पहले से कोई डेटा बना करके सेव किया है और उसमें और भी कुछ ऑप्शन था जो मैंने उसमें एडिट करना भूल गया था, और दोबारा ओपन करके हम चाहते हैं कि सेव एज करें, इसके लिए सेव एज करने की आवश्यकता आती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चले कि जो हम डेटा मैंने सेव किया है उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो क्या बटन दबाएंगे, जो मैंने डेटा सेव किया उसको ओपन करना चाहते हैं कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ओ। जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से मैंने कहाँ पे सेव किया था, डॉक्यूमेंट में, और यहाँ से आ जाएगा किस नाम से, नोटपैड डाटा, और यहाँ से ओपन कर दीजिए। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे इतना सारा मैंने लिखा, अब हम चाहते हैं कि कुछ अलग से हमको टाइप करना था जो लिखना मैंने भूल गया। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया,
गायत्री कंप्यूटर पढ़ रहा, कुछ नहीं कर, मैंने टाइप कर लिया। क्या इसके पहले ये वर्ड यहाँ पे लिखा था? मैंने लिखा है ना, लेकिन लिखा है कब? उसको डेटा को ओपन करने के बाद। अब देखिए, अगर आप सेव करेंगे, अगर आप केवल कंट्रोल यस दबा देते हैं तो डेटा उसी में जाकर के एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन ये रूल ये कहता है कि जब आपने पहले से कोई डेटा सेव करके रखा है और उसमें और भी कुछ आप एडिटिंग किए हैं, तो उसको दोबारा से सेव करने की जरूरत होती है। और दोबारा से सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस बटन का इस्तेमाल करते हैं। किस सॉफ्टवेयर में? नोटपैड की सॉफ्टवेयर में, क्योंकि नोटपैड का ही सॉफ्टवेयर आपके सामने खुला हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? अभी तो आप लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, क्लास में एंट्री नहीं किए थे तो शिकायत आ गई थी। अब शोर कहाँ चला गया? देखिए, क्लास में जब तक डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। मैं सुना हूं तो मैं मायूस हो गया हूँ। थोड़े समय से चेहरे से हमारा खुशी चला गया, क्योंकि क्लास में मैंने कल इतना समझाया था, उसके बाद से ये ऑप्शन आ चुका है मेरे सामने। मैं बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था, आपने देखा होगा। क्योंकि देखिए, इस तरीके से करेंगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगा। जैसे मान के चलिए कि हमको गुस्सा आएगा, सिंपल सी बात है, किसी दिन गुस्सा आएगा, मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, किसी और टीचर को दे दूंगा पढ़ाने के। आप चाहते हैं कि मैं ही पढ़ाऊं, तो प्लीज मेरे हिसाब से चलिए। आप प्रार्थना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा आपको बनाना चाहता हूँ, ये मेरा सिद्धांत। और वैसा बनने के लिए पहले हमारे जैसा आपको करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। जिस तरीके से मैं कहूँ बस उतना ही करिए आप लोग। आप खुद सोचिए कि अभी आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, अभी आप स्टार्टिंग में इतनी सारे प्रॉब्लम करेंगे तो आगे कैसे हम पढ़ा पाएंगे? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसलिए स्टार्टिंग से हमारे जैसा बनना है तो स्टार्टिंग से जिस तरीके से हम कह रहे हैं उस तरीके से आप करिए। जो भी डिस्कस करना है हमसे करिए आप। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने जो है क्या किया कि जैसे इसमें पहले से डेटा मैंने सेव करके रखा था, इसमें मैंने गायत्री कंप्यूटर पढ़ोना कुशीनगर मैंने लिख दिया। आप इस डेटा को हम दोबारा सेव करना चाहते हैं, तो दोबारा सेव करना है तो आप क्या करिए कि सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे चले जाइए, या तो आप सेव एज करिए जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस दिया हुआ, या तो आप सेव एज करिए, नहीं तो कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप लोग सीखिए, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की अलग अलग होता है। और मैं इसको लिखवाऊंगा तो शॉर्टकट की भी लिखवा दूंगा, क्योंकि शॉर्टकट की सबका अलग अलग होता है। तो देखिए, जैसे अगर इस डेटा को हम दोबारा से सेव करना चाहते हैं, अब देखिए दोबारा से सेव करने की आवश्यकता क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें मैंने कुछ एडिटिंग किया है, और जब एडिटिंग किया तो सिंपल सी बात, उसको दूसरे नाम से सेव करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस बटन दबाइए, और जैसे ही कंट्रोल यस दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट यस, यहाँ पे आपको बताएगा कि पहले आपने नोटपैड डाटा के नाम से सेव किया है, और कहाँ पे सेव किया? डॉक्यूमेंट के नाम से सेव किया है। अब इसमें पूछेगा, तब आप बताइए दोबारा किस नाम से और कहाँ पे सेव करना चाहते हैं? तो हम कह देंगे कि दोबारा डॉक्यूमेंट में ही सेव करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ नाम को हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? नाम में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देंगे और बस यहाँ से सेव कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या हुआ? तो देखिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम इसको बंद करके दोबारा ओपन करते हैं विंडो प्लस ई, और हम चलते हैं यहाँ पे दिस पीसी में, और यहाँ पे कहाँ पे मैंने सेव किया है? डॉक्यूमेंट्स में। अब देखिए, अगर आप नोटपैड वाला डेटा को ओपन करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर आप नोटपैड डेटा को ओपन करेंगे तो इसमें गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आपको नहीं मिला। समझ में आ रहा है ना? और वही जब आप इस नीचे वाले डेटा को ओपन करेंगे तो इसमें गायत्री कंप्यूटर लिखा हुआ मिल जाएगा। बस दोनों में यही अंतर है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पेज सेटअप। तो देखिए, पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि अधिकतर इसकी रिक्वायरमेंट आती है। जैसे पेज सेटअप के बारे में हम बात करें, तो किसी भी डेटा को आपको प्रिंट करने से पहले ये पेज की सेटिंग करना होता है, और जब तक पेज की सेटिंग आप सही तरीके से नहीं करेंगे, तब तक आपका डेटा का प्रिंटिंग सही तरीके से नहीं होगा। तो डेटा का प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपको आना है पेज सेटअप पे, और जैसे ही पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। आप देखिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है साइज। क्या लिखा हुआ है? साइज लिखा हुआ है। अगर
अगर हम साइज के बारे में बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि A4 साइज का भी पेपर होता है, A5 साइज का भी पेपर होता है, लेटर साइज का भी पेपर होता है, A3 साइज का भी पेपर होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी डेटा को प्रिंट करें, लेकिन इससे पहले पेज की हमको सेटिंग करना होता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लेटर को मैंने हटा करके यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पर A4 साइज मैंने ले लिया। चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा, इस पेज पे आपको चेंजिंग नहीं दिखाएगा, ये सैंपल के रूप में आपको चेंजिंग यहाँ पे दिखने को मिलेगा। जब आप यहाँ से सेटअप तैयार करेंगे और फिर Ctrl+P करेंगे तो जो आपने सेटिंग किया उसी के हिसाब से आपका पेज आएगा। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे देखिए, इसमें चार प्रकार का मार्जिन पे रखा हुआ है। तो जैसे मार्जिन के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे मान के चलिए कि हम कोई डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप साइड में और डाउन साइड में कुछ हम स्पेस ले लेते हैं, कुछ हम स्पेस ले लेते हैं, और उसी स्पेस को हम जो है मार्जिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्जिन के नाम से। जैसे मान के चलिए कि डाउन में मैंने कुछ स्पेस ले लिया, राइट में मैंने कुछ स्पेस ले लिया, लेफ्ट में मैंने कुछ स्पेस ले लिया और टॉप में मैंने कुछ स्पेस ले लिया, और जो स्पेस हम लेते हैं उसी स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉपियों पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से हम स्पेस छोड़ देते हैं, आपने देखा है ना पेज पे ऐसा, और राइट साइड से भी थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देते हैं और डाउन साइड से भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि पेज पे ऐसे बॉर्डर बनाया गया होता है रेड कलर का, वो आपका पेज का मार्जिन होता है। क्योंकि बॉर्डर से क्या रियलाइज होता है कि बॉर्डर के बाहर आपको नहीं लिखना है, बॉर्डर के अंदर ही आपको लिखना है। तो वो जो बॉर्डर आपका पेज पे बना हुआ है उसी को हम पेज की मार्जिन बोलते हैं, और एक पेज पे पूरा चार प्रकार का मार्जिन होता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का मार्जिन। आप देखिए यहाँ पे जैसे लेफ्ट है, टॉप है, राइट है और बॉटम, इसमें से आप जो नंबर देते हैं उसके हिसाब से आपकी पेज की मार्जिन हो जाती है। आप देखिएगा, अभी इसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे सब में 2 2 लिखा हुआ है ना, सब में मैं 0 कर देता हूँ, देखिएगा चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेंजिंग हुआ है, लेकिन इसके पहले ऐसा टेक्स्ट आपका नहीं था। अब देखिए यहाँ पे जैसे लेफ्ट में लिया हुआ है, तो लेफ्ट में मैंने 0 को हटा करके मैंने केवल यहाँ पे 3 रख दिया, तो देखिए लेफ्ट में इतना स्पेस आपको मिल गया। समझ में आ रहा है? लेफ्ट में इतना स्पेस मिल गया, लेकिन इसमें कब दिखाएगा? जब आप इसको पेज की सेटअप कर लेंगे तब। अब यहाँ पे हम चलते हैं टॉप में, और टॉप में भी मैंने ले लिया यहाँ से 2। टू में भी स्पेस कम हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ पे राइट में, और राइट में मैंने ले लिया यहाँ से 2, स्पेस कम हुआ। और फिर हम चलते हैं यहाँ पे बॉटम में, और बॉटम में भी मैंने ले लिया यहाँ से 3। समझ में आ रहा है? तो ये पेज की चार मार्जिन होता है, और चारों मार्जिन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सेट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे लेफ्ट में 3 लिखा हुआ है तो मैंने आपने 9 लिख दीजिए, तो 9 लिखेंगे तो टेक्स्ट यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि पेज की सेटअप हमको करना होता है लेकिन मार्जिन के हिसाब से हमको करना होता है। मतलब जिसमें रिक्वायरमेंट है 9 का उसमें आप 9 दीजिएगा, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 3 ही देना है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना। 5 भी कर सकते हैं, 5 में थोड़ा सा डिफरेंस इसमें इस तरीके से आपको दिखेगा, हो जाएगा ना? तो ये पेज की मार्जिन होती है। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे ओरिएंटेशन आपने सुना होगा, पेज की ओरिएंटेशन। एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट को बोला जाता है वर्टिकल। तो अभी जैसे आपका जो पेज आपको दिखा रहा है यहाँ पे, जो करंट में जो पेज आपका दिखा रहा है वो पोर्ट्रेट में दिखा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कोई रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो पोर्ट्रेट में ही बनाते हैं, कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो लैंडस्केप में ही मिलता है, आपने देखा है ऐसा? लैंडस्केप को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट को बोला जाता है वर्टिकल। जैसे आपने देखा होगा खसरा खतौनी वगैरह निकलता है, जो जमीन का कागज वगैरह निकलता है, वो भी हॉरिजॉन्टल ही होता है, जिसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो अभी पेज की सेटिंग जो आपको करंट में दिख रहा है वो किसमें दिख रहा है? पोर्ट्रेट में कि लैंडस्केप में? पोर्ट्रेट में दिख रहा है, और जैसे ही लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, चेंज हुआ। अब पोर्ट्रेट में करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा वर्टिकल में, और वही लैंडस्केप में करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाएगा। अब यहाँ एक ऑप्शन दिया, देखिए हेडर और फुटर, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। हेडर मतलब पेज के जो टॉप में जो हम हेडिंग देते हैं, और फुटर मतलब पेज के डाउन में जो हम हेडिंग देते हैं।
जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि जब हम बुक को ओपन करते हैं तो उसमें लिखता है लेसन नंबर वन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, लिखता है ना, और उसी के जस्ट नीचे लिखता है कि पेज नंबर वन का आपका डेटा है, तो पेज नंबर वन भी उस पर लिखा रहता है, या पेज नंबर टू, पेज नंबर थ्री, या पेज नंबर फोर, ऐसे लिखा होता है ना, तो पेज के बॉटम में होता है, पेज के नीचे होता है, जिसको हम बोलते हैं फुटर। क्या बोलते हैं? फुटर। और जो सबसे टॉप में जो हम हेडिंग देते हैं वो होता है लेसन नंबर वन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसको हेडर बोलते हैं। तो अभी हेडर फुटर इस पेज पे आप ऐड करेंगे तभी आपको दिखाएगा। तो इतना सेटिंग करने के बाद अब चलिए यहाँ पे कुछ हेडर में मैं दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लेसन वन लिखा हुआ है ना, इस लेसन वन को ही रहने देते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस पेज नंबर वन रहने दीजिएगा। और यहाँ से मार्जिन्स को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक लिख लिया, फिर यहाँ पर भी एक लिख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ से बस आपको ओके कर लेना। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि अभी इसका प्रैक्टिकल क्या होगा, तो देखिए इसमें अगला ऑप्शन आपका प्रिंट भी दिया हुआ है, प्रिंट करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन आपको दिख जाएगा जिस तरीके से आपने पेज का सेटअप किया है। तो प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या लिखा है? कंट्रोल प्लस। जैसे ही कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपका डेटा प्रिंट होने के लिए आ गया। तो अगर आपके प्रिंटर, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो ये प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिखा देगा, अगर प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है तो किसी भी डेटा को प्रिंट करने से पहले उसको पीडीएफ में सेव करना होता है। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए देगा किसमें? पीडीएफ में। देखिए नीचे पीडीएफ दिया है, अब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया लोकेशन में डेस्कटॉप, और किस नाम से, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैंने लोकेशन कहाँ पे लिया था? डेस्कटॉप पे। तो कहाँ पे दिखाएगा? डेस्कटॉप पे। देखिए यहाँ पे बना हुआ है पीडीएफ, आप इसको ओपन करिए। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने हेडर में लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और जिस तरीके से पेज का आपका सेटअप दिखा रहा था, देखिए उसी तरीके से मार्जिन्स भी आपका दिखा रहा है। और पेज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है पेज नंबर वन, फिर इसके नीचे भी सेम तरीके से लिखा हुआ। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हमारा होता है क्या, नोट पैड में फाइल मेनू, जो इतना सारा ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया, हो जाएगा प्रैक्टिकल? कोई दिक्कत है किसी को? और यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा ना। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लाइव में करिए। शेष और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम कल बताएंगे, ठीक है?